फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के वीडियो पर बवाल जारी है। भारत के नक्शे का अपमान करने के आरोप में एक अधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ के गोरेला जिले में मौजूद पेंड्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी का कहना है कि अक्षय कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर वीडियो किया गया है, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। वो अक्षय कुमार ने अपने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और गूगल पे एक फ़ोटो डाली है, फ़ोटो वायरल करी है, जिसमें वो ग्लोबल मैप पे खड़ा हुआ जूता पहन करके, और वो जो खड़ा हुआ है जूता पहन करके उसके नीचे में भारत माता का नक्शा लगा हुआ है, जो जो कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है। हमारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो हमारे देश के सम्मान होते हैं, उसके खिलाफ उस कार्य किया गया है। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग है आपकी? बिल्कुल, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जो दंड का प्रावधान है उसको दंड दिया जाना चाहिए, और ये जो भी वायरल किए गए हैं उसको डिलीट कराया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे बोले कि हम उस संबंध में जानकारी होने के बाद हम कार्रवाई करेंगे, और इसके संबंध में आप मुंबई पुलिस अधिकारियों के समक्ष लिखने के लिए बोला, जिसके तहत मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर, महाराष्ट्र गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री को भी पत्र लिखा है। पेंड्रा थाना निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने पत्र की प्रतिलिपि गृह मंत्रालय को भी भेजी है, जिसमें लिखकर कहा है कि अक्षय कुमार उर्फ राजीव भाटिया निवासी प्राइम बीच जुहू मुंबई के द्वारा अपने इंस्टाग्राम और गूगल फेसबुक में एक वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें वो ग्लोबल मैप में जूता पहनकर भारत माता के नक्शे पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका इस तरह से भारत माता के नक्शे में खड़ा होना भारतीय नक्शे का अपमान है। उनका ये कृत्य राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय है। ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।